हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? तो कैसी चल रही है BCCLE की तैयारी? अच्छी ही चल रही होगी आई विश। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अब हम लोग करवा रहे हैं उसको अच्छे से देखिएगा और नोट्स एकदम टाइम टू टाइम अपडेट रहिएगा नोट्स से, ठीक ना? सबसे पहले आप अपना नोट्स एकदम अच्छे से कंप्लीट करके उसको एकदम अच्छे से दो तीन बार रिवाइज करने के बाद, जब आपका नोट्स हो जाए किसी भी टॉपिक का, जब आपको एक सब्जेक्ट उठाते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर जैसे आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लोग सिमिलीज देख लिए बहुत सारा, तो उसके बाद क्या करना है आप लोग को, जो भी PYQs हैं, ठीक ना, उसको थोड़ा एनालाइज कीजिएगा प्रीवियस ईयर के। ओके, जब PYQ हो जाए आपका, तो आप लोग कहीं भी टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट पे आप एनालाइज कीजिएगा कि आपको कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छे से कीजिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको कोई भी चीज़ की समस्या होगी BCCLE को लेके तो आप लोग इस पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, या और भी कोर्सेज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एज मिक एज अ लैम्ब। मिक का मतलब क्या होता है? शांत। जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो बगल में अपना मीनिंग भी लिखते जाएंगे। मिक का मतलब शांत, ठीक ना? और लैम्ब का मतलब क्या होता है? मेमना। मेमना, ठीक ना? मेमना कहा जाए या भेड़ का जो बच्चा है वो भी हम लोग बोलते हैं लैम्ब को, ठीक है? एज लॉयल एज ए पोस्टल। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार। किसी भी काम के प्रति जो वफादार रहे, या किसी भी किसी के भी प्रति, ठीक ना, जो आजकल के दौर में बहुत कम रहते हैं लोग, अपने काम के भी प्रति बहुत कम रहते हैं, ठीक ना, तो ये नहीं होना है, एकदम फुली डेडिकेटेड रहना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक ना, वफादार। और ए पोस्टल का मतलब ईश्वर का जो दूत होता है वो, ठीक ना, या इसको प्रेरित भी बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, प्रेरित भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? एज हंग्री एज हंटर। हंग्री मतलब जानते हैं भूखा, और हंटर मतलब शिकारी। हंटर मतलब शिकारी, आप लोग तो देखे होंगे ना शिकारी को। उसके बाद है एज ड्राई एज अ बोन। क्या है? एज ड्राई एज अ बोन। अब ड्राई का मतलब क्या है? सूखा, ठीक ना, और बोन का मतलब हड्डी, ठीक ना, हो गया। एज स्विफ्ट एज एन एरो। स्विफ्ट का मतलब क्या है? तीव्र, एकदम तीव्र गति से, एकदम वो इंसान ये तीव्र है, तत्पर, किसी के प्रति तत्पर है, किसी काम के प्रति। तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? तीव्र या तत्पर। एरो तो हम लोग जानते हैं तीर को बोलते हैं, ठीक ना। एज फेथफुल एज अ डॉग। फेथफुल मतलब ईमानदार या वफादार, ठीक ना, किसकी तरह? डॉग की, कुत्ते की तरह। एज डम्प एज अ स्टैचू, ठीक ना, डम्प जो क्या हो? मूर्ख हो या गूंगा हो, उसको क्या बोलते हैं? डम्प। स्टैचू तो मतलब जानते हैं हम लोग, कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति, ठीक ना। एज रिच एज अ ज्यू। रिच मतलब क्या? अमीर, और ज्यू मतलब यहूदी, ठीक ना, क्या बोलते हैं? यहूदी, ठीक है। एज ब्राइट एज अ सिल्वर। ब्राइट एकदम चमकता हुआ, किसकी तरह? सिल्वर की तरह, ठीक ना। एज डार्क एज मिड नाइट। मिड नाइट का मतलब क्या है? मध्य रात्रि, ठीक ना, मध्य रात्रि। अब देखिए इसमें आप लोग कुछ नोटिस किए नहीं किए होंगे, बहुत बच्चे, कुछ बच्चे किए भी होंगे। देखिए हंगरी है और हंटर है, एच से हंगरी एच से हंटर, ठीक ना, तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा तो जल्दी याद होगा। डंप, तो भाई डंप क्या है? स्टैचू है भाई, वो तो बिना बोल सकता है, ठीक ना, कुछ नहीं कर सकता है वो, ना सुन सकता है, ठीक। फेथफुल इसकी तरह, तो डॉग की तरह, कुछ चीज़ें आप रिलेट करके पढ़िएगा
तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, एज सोलिट्री एज अ टोम, ठीक ना, टोम, सोलिट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, सोलिट्री का मतलब होता है अकेला, सॉरी अकेला होता है, ठीक ना। और तोम्ब का मतलब क्या होता है? मकबरा। आप लोग तो बहुत जगह घूमने गए होंगे तो मकबरा आप सभी देखे होंगे, ठीक है ना। एज चीयरफुल एज अ लार्क, मतलब चीयरफुल का मतलब क्या है? हंसमुख, जो क्या एकदम मुस्कुरात, कुछ लोग को देखिएगा एकदम खुशमिजाज टाइप के रहते हैं वो, उनको देख के आपको अंदर से भी अच्छी वाइब्रेशंस आती है, अंदर से आप भी खुश हो जाते हैं, उनके साथ 2 मिनट बैठिएगा तो आपको भी अच्छा फील करते हैं, ठीक ना। हंसमुख। लार्क का मतलब क्या है? एक पक्षी होता है जिसको भारद्वाज पक्षी बोलते हैं, उसका है भारद्वाज पक्षी, ठीक ना, उसके बारे में बोल रहा है। एज स्ट्रेट एज एन एरो, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा, किसकी तरह? इस एरो की तरह, हमारे इस तीर कमान की तरह, ठीक ना। चलिए, एज वेरिएबल एज द वेदर, वेरिएबल मतलब क्या है? बदलने वाला, जो टाइम टू टाइम क्या हो, बदल रहा है, तो हमारा क्या है? मौसम, ठीक ना। एज सॉफ्ट एज सिल्क, सॉफ्ट किसकी तरह? सिल्क की तरह, एकदम मुलायम। सिल्क को कभी देखे हैं क्या आप लोग? नहीं देखे हैं तो थोड़ा ये सब भी थोड़ा देखिए। उसके बाद है एज जेंटल एज अ डव, ठीक ना। जेंटल किसकी तरह? कबूतर की तरह। कबूतर तो भाई आप लोग देखे होंगे ना, बहुत लोग रखते भी हैं अपने घर में। एज अ स्टेडी एज अ रॉक, ओके, स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्थिर, ठीक ना। स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्थिर। एज स्टेटली एज अ कैट, गुप्त, हमारी जो बिल्ली मौसी है, कैट से तो सब रूबरू होंगे, जो बिल्ली मौसी है वो थोड़ा डरपोक टाइप की, थोड़ा छुप छुप के रह के, छुप छुप के घर में कुछ देखी, किसी का दूध है या किसी का कुछ है, पी के अपना चुपचाप काम बना के चली जाती है। तो बिल्ली क्या होती है? थोड़ी नटखट भी होती है, थोड़ी डरपोक टाइप की होती है, हमेशा वो क्या रहती है? छुप के रहती है। एज क्राफ्टी एज अ फॉक्स, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? चालाक, ठीक ना। कुछ वर्ड आपको नए भी मिलने सुनने को मिलेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाने को है। तो एक एज क्राफ्टी एज अ फॉक्स। एज ग्लूमी एज नाइट, ग्लूमी मतलब देखिए, ग्लूमी का मतलब मनहूस, ठीक ना। तो देखिए ये कुछ क्या है, आज हम लोग 100 में से पिछले हम लोग कितना 20 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए 100 में से, ओके। ये 40 क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, एक दो बार रिवीजन कीजिए और भाई PYQ को एनालाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। PYQ अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होगा तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, नहीं तो हम एक दिन यूट्यूब पे जो भी प्रीवियस ईयर है पेपर उसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़े अच्छे से रिवाइज कीजिए और जो 60 क्वेश्चन बच गए जल्दी वो भी हम करवा देंगे, ठीक ना। अभी इतना अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, तो आज फिर एक प्यारा सा थॉट देख ले, क्या? डू एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट, इट विल कम विथ ग्रेट रिजल्ट, ठीक है। कुछ भी कीजिए, छोटा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, छोटे एग्जाम की तैयारी कीजिए, बड़े, वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आप कितने शिद्दत से कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है आप कितने खुश होके कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं उस काम के लिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी ना, और डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा
वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। हमारा आशा है कि आप जितने भी BCCLE के बच्चे हैं सबका क्वालिफाई हो। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है, इतने क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और भी और जो क्लासेस बची हैं वो भी जल्द होंगी।